हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम पहुंच चुके हैं डेहरी ऑन सोन स्टेशन और यहां से हम लोग प्रस्थान करेंगे तुतला भवानी की ओर। तो आइए मिलते हैं अपने टीम मेंबर से। हम लोग अभी 7 लोग निकले हैं पटना जंक्शन से और यहां तुतला भवानी के स्टेशन, नियर बाय स्टेशन जो डेहरी ऑन सोन है, वहां पे पहुंच चुके हैं। चलिए मिलते हैं एक एक करके और सबसे सबका इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजपाल और मुझे आप देख रहे हैं मिनी ट्रेवल यूट्यूब चैनल पे। आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। और आप कहाँ से आए हैं? जी पटना राम कृष्ण नगर से। ओके, सब लोग तो पटना से आए हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। सिद्धार्थ कुमार हुआ, मैं भी पटना से आया हूँ। ओके, आप बता दीजिए। कुमार हुआ। ओके, हाय, आप बताइए आपका नाम क्या हुआ सर, बता दीजिए। नाम हुआ मन्नू कुमार। ओके, आप बता दीजिए सर थोड़ा सा व्यूअर्स को अपना नाम। मेरा नाम हुआ प्रिंस कुमार। ओके, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग ऑटो वगैरह लेंगे और शुरू करते हैं। दोस्तों स्टेशन से उतरने के बाद सबसे पहले हम लोग अभी नाश्ता पानी कर रहे हैं सवेरे सवेरे का, चाय वगैरह। फ्रेंड्स, स्टेशन से उतरने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड है हमारे आगे पीछे, यहाँ पे बहुत सारा बस लगा हुआ है। तो बस से भी आप जा सकते हैं बट आपको वेट करना होगा। तो हम लोग ऑटो लेंगे और ऑटो से चलते हैं। दोस्तों तो अभी हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, ऑटो हम लोग चल चुका है और अभी यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे का नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ का रोड कैसा है। मेन रोड को क्रॉस करते हुए हम लोग एक अंदर गली में आए हैं जो खेतों से होता हुआ ये रोड जा रहा है। इसी रोड से हम लोग माँ दुर्गा भवानी की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको रोड का नज़ारा दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार का रोड है और खेतों के बीच में ये रोड है। हम लोग अभी गांव के अंदर आ चुके हैं। इस गांव को क्रॉस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो गली है गांव के अंदर से जाता है, इसी गली से हम लोग पार करते हुए जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। ट्रक लगा हुआ है, सिंगल रोड सड़क होने के कारण हमारा ऑटो वहां पे रुका हुआ है और मैं कुछ आगे बढ़ के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा बोर्ड लगा, जो बोर्ड है माँ तुतला धाम के लिए जाने के लिए, वहाँ पे हम लोग हैं। यहाँ से ये रास्ता इंडिकेट किया गया है, इस रास्ता से हम लोग जाएंगे। तो इंतज़ार करते हैं ऑटो का। दोस्तों ये जो गांव है इसके बारे में मैं अभी एक जो व्यक्ति हैं उनसे मैं पूछता हूँ, ये बोर्ड के पास ही हैं तो इनसे पूछते हैं गांव का नाम क्या है वगैरह वगैरह। तो चलिए इनके पास चलते हैं। पहले आप बता दीजिए आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह है। अच्छा, और ये जो गांव है जो माँ तुतला भवानी की ओर जो रास्ता जाता है, तो इस गांव का क्या नाम है? इस गांव का भीसड़ा। हाँ, भीसड़ा नाम है ये। जिला रोहतास में ही है ना? हाँ, रोहतास में। अच्छा, और ये जो मतलब जो मेन रोड से जो सड़क था वहाँ से अंदर आए पूरा गांव यही है? हाँ, भीसड़ा है। हाँ, पूरा गाँव का भीसड़ा नाम है। अच्छा, तो चलिए दोस्तों तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और हमारा ऑटो खुल चुका है। दोस्तों ये ऑटो यहाँ पर आ चुका है और अब हम ऑटो में जाने वाले हैं। यहाँ पे हमारे ड्राइवर साहब है, जरा इनका भी अपना नाम बता दीजिए। प्रेम प्रकाश। अच्छा, प्रेम प्रकाश जी नाम है आपका, ठीक है। तो चलिए ऑटो में बैठते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ का यहाँ से सफर आगे की ओर तय करते हैं। तो हम लोग अभी करीब पहुँचने वाले हैं, यहाँ से आपका जो रोहतास के पर्वत है जो उसका सीन शुरू हो चुका है। अगर आप देख पा रहे हैं तो कैमरे में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा ऑटो रुका हुआ है और मैं आपको पीछे के कैमरे से आपको दिखाता हूँ। कुछ पूरा पहाड़ आपको दिख रहा है, धुंध है यहाँ से, बहुत ज़्यादा धुंध है जिसके कारण पर्वत क्लियर नहीं दिख रहा है। बाकी यही सीन है और हम लोग इसी पर्वतों के बीच में जाने वाले हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, यहाँ से हम लोग को पर्वत बिल्कुल ही क्लियर दिखने वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं। सीन है सुंदर दिखते सुंदर होते जा रहा है और देखिए यहाँ से पर्वत के हम लोग बहुत ही
करीब पहुंच चुके हैं। मैं अभी ये जो बोर्ड है माँ पिपला भवानी इको पर्यटन स्थल यहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं, और यहाँ से पर गेट है जो भी है, इसी गेट से हम लोगों को अंदर जाना है। यहाँ का सीन आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बोर्ड में इंफॉर्मेशन वगैरह दिया गया है। यहाँ पे हमारे मित्र लोग हैं, तो अब हम लोग चलेंगे वाटरफॉल की ओर। सामने अगर आप देख पा रहे हैं तो हल्का हल्का सा वाटरफॉल नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, तो अब अंदर चलते हैं यहाँ से गेट से। देखिए, हम लोगों ने प्रसादी और फूल माला वगैरह ले लिया है, और माता के दर्शन करेंगे और उन पर चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग वाटरफॉल में जाएंगे और वहाँ पे स्नान करेंगे। तो यही वो रास्ता है जहाँ से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ का मैं कुछ सीन इस प्रकार का अंदर का आपको दिखा देता हूँ एक बार, चारों तरफ का इस प्रकार का कुछ परिसर है यहाँ पे। और इसी परिसर को पार करते हुए ये छोटा सा जो रास्ता है आप देख सकते हैं, इसी रास्ता से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गांव को पार करने में बहुत ही कठिनाई हुई, क्योंकि यहाँ का जो सड़क था वो प्रॉपर नहीं था, बहुत गड्ढा मतलब टूटा हुआ सड़क था। तो बहुत कोशिश मतलब बहुत सारे तकलीफों को करने के बाद ऑटो में थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। उसके बाद हम लोग अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अब नज़दीक ही हैं वाटरफॉल के। तो मैं आपको जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ दिखाने का, और उससे पहले मैं आपको यहाँ का कुछ सीन दिखा देता हूँ। अगर ये जो रास्ता है इसके आप दोनों ओर देखें तो जंगल है, और यहाँ का भी आप आनंद ले सकते हैं, फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ से वाटरफॉल का जो वॉयस है वो भी सुनाई देने लगा है। हम लोग यहाँ से बहुत ही एक्साइटेड हो सकते हैं। हमारा एक टीम जो आपको अगर आगे दिख रहा है तो वहाँ पे पहुँच चुका है, और यहाँ से फिर से मैं आपको कुछ इन पर्वतों का नज़ारा दिखा देता हूँ एक बार। ओके, तो इसी तरीक़ा से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और लोगों का यहाँ पे कहना है कि कुछ यहाँ पे बंदर, हनुमान जी जो भी जिसे कहता है वो यहाँ पे बहुत सारे हैं, और हम लोग भी प्रसादी वगैरह लेके आए हैं तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो बंदर है जो भी है प्रसादी को छीन लेता है, और इसलिए हम लोगों ने उसको बैग में रख लिया है प्रसादी को। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से वाटरफॉल बिल्कुल क्लियर और साफ नज़र आ रहा है। ओके, देखिए यहाँ से जो वाटरफॉल है बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ से पर्वत भी बहुत ही सुंदर और आकर्षक नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से रास्ता है, इसी रास्ते से हम लोगों को आगे बढ़ना है। कुछ इस प्रकार का रास्ता है, आप देख सकते हैं, और इसी रास्ते से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों इसी रास्ते में चलते हुए हम लोगों को साइड में कुछ अच्छा सा जो वाटर फॉलोइंग है वो दिखा है, तो वाटर के पास चलते हैं और बगल से देखते हैं कैसा नजारा है, वहां पे चलते हैं हम लोग। वेरी गुड, वेरी नाइस, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पूरे नज़ारे को देखते चलेंगे ताकि आपको पूरा आनंद मिल सके। यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ पे पर्वत का इस प्रकार का कुछ सीन है, और नीचे मैं आपको दिखा दें, पत्थर के साथ नदी है वो बह रहा है, यहाँ से नदी का उद्गम हो रहा है, और बहुत ही सुंदर सा दृश्य आप देख सकते हैं, कितना प्यारा सा दृश्य है। ये पानी कुछ इस तरीका से नीचे में यहाँ से बह करके जा रहा है, वाटरफॉल से ये जो पानी है आ रहा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सूचना है, धाम परिसर में शराब की बिक्री ऐसा करते देखे जाने पर पुलिस को सूचना देकर। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग जा रहे हैं वाटरफॉल की ओर, और वेरी नाइस लोकेशन, सो गुड। आप इधर से अगर आते हैं तो ये सब नज़ारे को जरूर देखते चले, आपको बहुत ही आनंद आएगा। शायद मैं भी कैमरा में अगर पूरा क्लियर नहीं आ रहा हो, जो वास्तविक में आप देखेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बिल्कुल ही हम नज़दीक पहुंच चुके हैं।
दोस्तों रास्ते में चलते हुए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट के लिए रुके हैं। आप देख सकते हैं नेचुरल चेयर, यहाँ पे जो पत्थर है यहाँ पे हम लोग नेचुरल चेयर बनाया, यहाँ पे बैठते हैं, कुछ फोटोग्राफी वगैरह यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं अभी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को एक मंकी मिला है जिसके साथ हम लोग सेल्फी वगैरह। तो रास्ते में ये सब यूनिक चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मंकीज है और ये प्रसादी का इंतजार करते रहते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ एक सेल्फी लेने का इनके साथ अगर पॉसिबल है। हमारे चल रहे हैं ताकि कुछ इसको खाने के लिए मिले। यहाँ पे देखिए एक ये है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अपना जो है ले चुका है और प्रसादी छीन करके और खा रहा है। हेलो, पानी के नजदीक जा रहे हैं, सो एक्साइटेड एंड गोइंग टू नियर द वाटर। ओके, यहाँ पे आप वाटर का आवाज सुन सकते हैं, कितना अच्छा, कितना सुंदर सा, कितना प्यारा सा है। मैं आपको यहाँ पर अगर खड़ा होकर दिखाऊं तो मेरे पैर के पास यहाँ पे पानी है, और आगे बढ़ते हुए यहाँ से जो झरना इसका आ रहा है बहुत ही खूबसूरत सा है। सो ब्यूटीफुल सीन हियर। हाँ तो बताइए आपको यहाँ पे आकर के कैसा महसूस हो रहा है, कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए, अगर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। आने से बहुत खूबसूरत नजारा है, आप लोग कभी आके तो यहाँ पर आइए। ओके, आइएगा, बहुत खूबसूरत नजारा है। हाँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटरफॉल, कितना खूबसूरत नदी है जो आप लोग नहा सकते हैं। ऋषिकेश टेस्ट है, इधर ओके 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 ओके, यहाँ पर ऋषिकेश जैसा व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाटरफॉल, वहाँ से नजदीक है हमारा वाटरफॉल, यहाँ से पूरा वीडियो। तो आप देख सकते हैं यही जो है पूरा वाटरफॉल का सीन है। मैं थोड़ी सी ऊंचाई से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए वाटरफॉल, दोस्तों तो फाइनली मैं वाटरफॉल के पास पहुंच चुका हूँ। देख सकते हैं मैं बिल्कुल नजदीक में हूँ, पीछे में झूला बना हुआ है, कुछ सीढ़ी वगैरह बना हुआ है जिससे कि माँ तुतला भवानी के मंदिर में जाना होगा। तो वाटरफॉल की ओर ये जो झूला बना हुआ है इसको फॉलो करते हुए हम लोग जा रहे हैं। देख सकते हैं सीन यहाँ का, देख सकते हैं। ओह क्या बात है भाई, झूला लचकदार है, सामने वाटरफॉल है, मजा। झूला पे हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर से लेकर के यहाँ का सीन, और झूला से अगर आप नीचे देखें तो इस प्रकार का कुछ सीन है। वाटर निकल करके आ रहा है यहाँ पे पत्थरों से, और सामने जो वाटरफॉल है इसके इस साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इसी तरीका से वाटरफॉल से वाटर निकल करके नदी का रूप धारण करती है वाटरफॉल एंड द झूला। अब देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पे लचीलापन है झूला में। और अब हम लोग वाटरफॉल के इतना नज़दीक आ चुके हैं। फ्रेंड्स सी द क्लोजर लुक ऑफ वाटरफॉल, यहाँ यू कैन सी दैट।
दोस्तों यहाँ पे फीलिंग बहुत अच्छा है, यहाँ पे ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। अच्छा मैं अपने एक मित्र से पूछता हूँ यहाँ पे, अच्छा धूप में से आए हैं तो आपको यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, यहाँ पे वाटर का जो भी फुहारा है वो एकदम ठंडा जैसा, बहुत ठंडक लग रहा है। ठंडक से देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे बहुत ही नजदीक हूँ वाटर पॉइंट के। यहाँ पे वाटर का जो फुहारा है बहुत तेजी से हमारी ओर आ रहा है, तो यहाँ पर हो सके तो मुझे कैमरा को बंद करना पड़ेगा। तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ नीचे आपको दिखाने का स्नान करते हुए लोगों को। चलिए नीचे देखो, यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। आई एम टेकिंग ए रिस्क फॉर माय कैमरा एंड आई एम शूटिंग दिस, यू कैन सी। यहाँ पे लोग सब स्नान कर रहे हैं, नीचे में आप देख सकते हैं। नीचे भी आपको दिखा दूँ, मैं ये अभी झूला पे हूँ, मैं नीचे जाता भी हूँ, जल्दी ही जाऊँगा। फ्रेंड्स आई एम टू क्लोजर और यहाँ पे अब सीढ़ी आ चुका है। ये माता का मंदिर है, यहाँ से माता के मंदिर की ओर आप जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे स्नान कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बार और सीन दिखा देता हूँ एक बार इधर से। अब मैं इसमें वाटरफॉल के अंदर जा रहा हूँ। ओके चलिए अंदर चलते हैं और मिलते हैं कुछ देर बाद। वो लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, मैं भी उसी तरह से करूँगा। तो चलिए इसी को समझ लीजिए, चलिए अब कुछ देर बाद मिलते हैं दोस्तों। तो अभी यहाँ पे एक मेरा फ्रेंड जुड़ चुका है और इनसे पूछते हैं कैसा लगा आपको वहाँ पे जाकर? आया बहुत मजा आया, खूब नहाए? हाँ बहुत ज्यादा नहा, एक डेढ़ घंटा नहा। अच्छा वहाँ पे जाने के बाद, यहाँ तो गर्मी है, वहाँ पे कैसा लग रहा था? ठंडा लग रहा था, लग रहा था कि एसी लगा हुआ था। अच्छा चलिए धन्यवाद दोस्तों। तो बताएं कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको ये वीडियो, और इसी तरह के बहुत सारे वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।